3 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय गोवा दौरे में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इसके अलावा 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सिंह हमीरपुर जिले के नदौन सीट से विधायक हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। श्री पटेल को औपचारिक रूप से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री पटेल सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजस्थान में शहीद भारतीय सेना के जवान संजय कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव वैशाली जिले के महनार में किया गया। पटना के बिहटा स्थित आईआईटी में 6G मोबाइल कम्युनिकेशन को लेकर भविष्य की संभावनाएं और चुनौती विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पटना में आयोजित समारोह में राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता और ओलंपियाड में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। गोपालगंज जिले के मांझा के अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर को दाखिल खारिज मामले में गड़बड़ी के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा से उन्हें उच्च शिक्षा और शोध कार्य में मदद मिलेगी। अररिया जिले में समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ की ओर से बाल दरबार का आयोजन कर बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पोषण उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने 227 रनों से जीत दर्ज की। ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।